आज 27 फाउंडेशन यूथ फाउंडेशन डे के समय में आप लोग जो आज यहाँ में कैरियर काउंसलिंग किया गया उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ कर दीजिए। आज सबसे पहले मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जेट न्यूज़, एपी डायरेक्ट एंड एडीएन, जो आप लोग हमारे इस ग्रेस बाप्टिस्ट चर्च के जो 27th यूथ फाउंडेशन डे में आप लोग कवरेज करने आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ग्रेस बाप्टिस्ट चर्च के युवाओं ने अपने 27th जो फाउंडेशन डे है एक अलग तरीका से जो सेलिब्रेट कर रहा है। हमेशा हम लोग एक सिर्फ आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा हम फोकस करते थे, लेकिन ये साल हम लोग एक नया तरीका, नया स्टाइल, मतलब चेंज किया है जो सेलिब्रेशन का, तो उसी तरह से जो सिर्फ केवल आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ ना सोच के जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा है हर कदम में आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कामकाज में हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो, तो उसी तरह से इस GBC यूथ लोग जो है इस साल जो यूथ के लीडर्स है हाश लाड़ी, उसके टीम नानी मोडा जो चेयरमैन है, तो उन लोगों ने आज जो खासतौर से कैरियर काउंसिल युवाओं के लिए रखा है बहुत अच्छा है। और ख़ासतौर से हम एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर आ करके अच्छा लगा, जैसे मैं एक पास्टर हूँ तो मैं एक स्पिरिचुअल जो गाइडेंस होते हैं उसके बारे में मैंने दिया, शिक्षा दिया। और हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेडिंग ओमो सर जो है वो जब देवेंद्र कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कैरियर काउंसिल के बारे में शिक्षा दिया है। सर, जैसे कि आजकल बहुत लोग ऐसे हो गए कि बोर्ड को मानना था, मतलब उनका जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भूलते जा रहे हैं, यहाँ का जितना रिचुअल्स है वो भूलते जा रहे हैं, और ज़्यादातर ड्रग्स हो गया ये सब में ध्यान देते हुए उन लोग का जो करियर है बर्बाद होते जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ जितने भी युवा है, सिर्फ क्रिश्चियन युवा ये बोल के नहीं है, इन जनरल में जितने भी हमारे युवा है, यूथ लोग है, मैं ये इनक्रेज करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृष्टि किया कि ये गलत रास्ता चुनने के लिए नहीं है, हमें एक अच्छा युवा बन करके, एक अच्छा इंडियन सिटीजनशिप बन करके आगे बढ़े और अपने जीवन को, अपने मम्मी पापा का जीवन को, और ख़ासतौर से जो परमेश्वर जो हमको सृष्टि के बनाया उसके नाम को महिमा करने के हमें बनाया है। इसलिए ये जो ड्रग्स है, जो गलत गलत चीज़ खराब काम करते हैं, वहाँ पर फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। ऐसा तो होता है कि जीवन में कभी हर चीज़ जो है सफलता नहीं होते हैं, तो अगर असफलता भी फेलियर भी हो जाए तो वो कदम को नहीं चुनना है, वो रास्ता को नहीं चुनना है, और भी रास्ता है। इसलिए मैं जितने भी युवा है, चाहे क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियंस, सभी को मैं ये इनक्रेज करना चाहता हूँ कि ये गलत रास्ता को नहीं चुनना है, ख़ासतौर से ये जो ड्रग्स जो अल्कोहलिक होते हैं इसको नहीं चुनना है, नहीं लेना है। अगर कुछ दुख पे तो आज जैसे काउंसलिंग, जो कैरियर काउंसलिंग, स्पोर्ट्स काउंसलिंग, उस तरह से आजकल बहुत सा रास्ता है, वहाँ पे जाना है। और जब ऐसे दुख के परिस्थिति जब आते हैं, एल्डर्स लोग से बात करना है, सीनियरों से बात करना है, किसी से काउंसलिंग लेना है, लेकिन ये गलत रास्ता को नहीं चुनना है। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में एज ए रिसोर्स पर्सन आके आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा लगा, तो जो यहाँ पे यूथ है इंटरेक्ट करके, तो उन लोग का शायद कुछ क्वेरीज जो था तो शायद कुछ सॉल्व हुआ होगा। कभी कभी ये एज में बहुत डाउट्स रहते हैं, तो होपफुली जो मैंने शेयर किया है तो अपना एक्सपीरियंस को जब बताया तो मुझे भी लगा कि वो एज में जो टीन एज होता है उस समय को बहुत क्वेरीज रहता है, तो उसको डील किया, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सर, जैसे कि करियर को लेके जो बच्चे आजकल के बच्चे हो गए वो सब ऐसे सोचते हैं कि क्लास 12 के बाद अगर उनका पढ़ाई अच्छा नहीं रहता तो वो डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी छोटा मोटा काम उनके लिए काफ़ी है, लेकिन डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? एज ए प्रोफेसर आपका वर्ड क्या रहेगा? डीमोटिवेशन का तो रीजंस तो बहुत होगा, बट व्हाट आई फील इज़ सबसे बड़ा तो जो प्रेशर रहता है, जैसा मैंने सेशन में भी शेयर किया है, पीयर प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस होता है फैमिली का, नाइबर्स का होता है, कंपैरिजन करता है, तो उसका बेटा ये हो गया, उसका बेटी ऐसा बन गया तो तुम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रेशर्स रहता है तो उसमें खुद भी कैंडिडेट और बच्चा खुद सोचता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो अपना वो जो एबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने का नहीं होके चांस नहीं देके, जो पेरेंट्स होता है, नाइबर्स होता है, रिलेटिव्स होता है, तो अपना एक्सपेक्टेशन को जब बच्चे पे डाल देता है तो वो बोझ को शायद नहीं झेल पा के मोटिवेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा हम लोग भी समझना है, बच्चे के साइकोलॉजी को समझना है, उसका एज को समझना है, तो डेट वे वी कैन एनकरेज द यंग चिल्ड्रेन। जैसे कि आजकल बहुत ऐसा हो गया कि बच्चे ड्रग्स में डूब के जो अपना करियर को बर्बाद कर ले रहे, तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? पहले चीज़ तो ये होना ही नहीं चाहिए, और होपफुली ऐसा क्वेश्चन ना आए तो और भी बेहतर है, बिकॉज इवन जीरो में भी हम लोग क्या जीरो ड्रग्स, जीरो जो TSD शुरू किया वो कर रहे हैं, एंड इवन इलीगल है ये,
और जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड जो हमारा जो यूथ है यहाँ पे, स्पेशली हमारा क्रिश्चियन यूथ है, तो उन लोगों का टीचिंग्स भी यहाँ दिया जाता है चर्च में, अच्छा काम करना है और बुरा जो आदत है वो सब नहीं करना. तो आई थिंक ऐसा स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड मॉरल टीचिंग ये सब थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को ये सब नहीं करने का. अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि फिर प्रेशर में ना, जैसे मैंने बताया प्रेशर में क्यों ये कर रहा है, पनिशमेंट देना, फिर उन लोग को डांटना, ये सब से फिर उन लोग डर जाता है. तो वो एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर लेता है कि अपना फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए फिर ज़्यादा डूब जाता है. तो बच्चों का साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है. लास्ट क्वेश्चन की आपकी तरफ से जो अभी करियर स्टार्ट करने वाले बच्चे, क्लास 12 का एग्ज़ाम खत्म हुआ, रिजल्ट निकल गया, तो आपका तरफ से क्या वो मोटिवेशनल वर्ड रहेगा उन लोगों के? जैसे मैंने कहा सेशन में भी कि हम लोगों को समझना है, क्लियर बहुत होना है कि हमको आगे जाके क्या करना है और क्या नहीं करना है. क्या करना है वो तो बहुत सारा का होता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है. तो अगर 12 पास हो गया है तो जैसे मैंने कहा सेशन में भी कि काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, जो सीनियर्स है, जो पेरेंट्स है, जो जानता है, या फिर जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनल काउंसलर से अगर मिल जाता है तो देट विल बी वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग सेशंस भी रहता है, जैसे बहुत सारे NGOs करते हैं, तो उसका फोकस ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रेजुएट लेवल का ऑफिसर्स के लिए ही होता है. अदरवाइज 12 के बाद बहुत सारा है, तो गवर्नमेंट जॉब को ही हम लोग एक करियर ऑप्शन नहीं देखना है, बहुत सारा ऑप्शंस है. तो वो सबको थोड़ा ध्यान में रख के वो बच्चों को थोड़ा समझाना ज़रूरी है.